अब चलिए, घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं जाना है, छोड़ो। मंदिर में गए होंगे, पुजारी जी ने भोग लगाया होगा, वही खाने गए। भैया, वो बाहर पुलिस वाले आए हैं। नमस्ते जा साहब। नमस्कार, फरमाइए। हमें तिजोरी के आसपास के फिंगरप्रिंट्स लेने हैं ताकि चोरी का सुराग मिल सके। ठीक है, आपको जो करना है करिए। हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम अपनी बेटी के साथ व्यस्त हैं, और जिस चोर ने ये 20 लाख की चोरी की है उसी ने हमारी बेटी को अगवा भी करवाया था। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उसे जल्द से जल्द पकड़ें ताकि हम उसे सख्त से सख्त सजा दे सकें। जी जी, चलो। मैडम, आपकी तिजोरी का कोड नंबर बताइए। 1 2 3 4 है। रुद्राक्ष माला यहाँ बटकी पड़ी है। अरे हम तो सोचे थे रास्ते में कहीं गिर गई होगी, और ये कमजात तो यहाँ पड़ी है। ये ठक-ठक कौन कर रहा है जी? अरे मैट जी, तलाशी करने आए ना पुलिस वाले। अच्छा एक बात बताओ, ज्वेलरी निकाली तुम? हाँ मैडम जी, सामने ही है ना आपके। अरे सब गिर गया। अरे हम उठाते हैं। एक मिनट रुके, हवलदार सारी ज्वेलरी उठाओ। अरे ये तो अभी अभी गिरा है। ब्यूटी, जी मैम जी, सब ज्वेलरी दे दिया ना? हाँ जी मैम जी, बस सामने ही है आपका। तो डार्लिंग जी का रुद्राक्ष लग रहा है। ए ब्यूटी, ये लो, इसको संभाल के रख देना। ठीक है मैम जी, डार्लिंग जी को दे देंगे। ओके। अरे भगवान का लाख शुक्र है पुलिस ने ये माला के बारे में प्रश्न नहीं पूछा। काफी दिनों से नजर भी नहीं उतारी है। मंजी, हम उसका काला टिक्का है ना, तो उसकी नजर उतारनी तो जरूरी है, इसलिए हम घर जाकर सबसे पहले उसकी नजर उतारेंगे। हेलो मंजरी, अरे पड़ गई कलेजे में ठंडक। घर बार छोड़कर बाहर भटक रही हो, ना पति की चिंता, ना परिवार की इज्जत आबरू का कोई भी विचार। गौरी की भी चिंता नहीं है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, जो ढूंढने निकली थी वो काम पूरा हुआ का? मिल गई नजर बट्टू? मिली कि नहीं? नहीं ना मिली, तो ऐसा करो तुम घर आ जाओ। अरे वो मिल गई छोकरिया तो वो को भी साथ ले आओ। अरे पड़ी रहेगी एक कोने में, खाएगी पिएगी नजर उतारेगी। मिली का छोकरिया? अरे मिली का मंजरी, अरे मुंह से कुछ फूटो तो। अरे मंजरी, हम जो कह रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? आया समझ में जेठी भाभी। आपने हमसे पूछा कि हम घर आ रहे हैं या नहीं, तो हमारी बात सुन लीजिए। हम घर लौट के वापस नहीं आ रहे।